अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मूसे वाले के टैलेंट के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। 29 मई 2022 ये वही दिन था जब सिद्धू मूसे वाले को 6 लोगों ने 30 से भी ज्यादा गोलियां मार के मौत के घाट उतार दिया था। उनके शरीर से 24 से भी ज्यादा गोलियां निकाली गई थी। उस वक्त पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में मातम छा गया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कैसे एक 28 साल का नौजवान जिसने अपने गांव से शुरुआत करके पूरी दुनिया में अपने म्यूजिक का दबदबा कायम किया, वो ऐसे कैसे इतनी कम उम्र में ये दुनिया छोड़ के जा सकता है। सिद्धू मूसेवाले की पॉपुलैरिटी इस बात से पता चलती है कि कैसे कितने लोगों ने पूरी दुनिया में सारे ममालिक में कैंडल मार्च निकाले थे। 1 लाख से भी ज्यादा लोग सिद्धू मूसा के जनाजे में भारत पहुंचे थे। नाजरीन, क्या आपको पता है कि सिद्धू इतने पब्लिक क्यों थे, लोग इतना क्यों मानते थे? तो नाजरीन, क्योंकि उनके गाने अवाम के साथ दिल को छू जाते थे, इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया उनके गानों की मुरीद बनती जा रही थी। कई लोग बोलते हैं क्योंकि मौत इसलिए हुई है क्योंकि ये गैंग वार का नतीजा है। गैंग वार, गैंग कल्चर, गन कल्चर को बढ़ावा दोगे तो और क्या होगा। और अगर आप प्योर म्यूजिकल सिनेस में देखें ना तो ऐसे लेजेंडरी आर्टिस्ट बहुत कम हुए हैं। भारत हिस्ट्री में गिन चैन के ऐसे लोग हैं जो सिद्धू मूसेवाला के गॉड गिफ्ट और उनके कैलिबर पे आते हैं। और ये फर्क समझने के लिए आपको कला और संगीत को समझना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, इस हादसे के बाद सब यही सोच रहे थे कि कैसे 28 साल की इतनी कम उम्र में वो दुनिया छोड़ गए। आंखें नम थी क्योंकि सबको पता था कि ये पूरी दुनिया में भारत का ऐसा नाम रोशन कर गया पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन अब वो वापस आ गया है। जी हाँ नाजरीन, सिद्धू मूसेवाला के वाले साहब ने अभी हाल में इंस्टाग्राम में एक फ़ोटो जारी किया जिसमें अपने बेटे की फोटो तस्वीर शेयर किए। जी हाँ नाजरीन, सिद्धू मूसेवाला के वाले साहब ने अभी हाल में इंस्टाग्राम में एक फ़ोटो जारी करके कहा कि मैंने अपने बेटे की तस्वीर शेयर की है। जी हाँ नाजरीन, सिद्धू मूसेवाला की ये तस्वीर है। इन्होंने अपने कैप्शन में लिख के बताया कि कैसे लाखों करोड़ों लोगों की दुआओं के बाद सिद्धू मूसेवाला के भाई इस दुनिया में आ चुके हैं। सभी लोग इसको सिद्धू मूसेवाला 2.0 कह रहे हैं। नाजरीन, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि सिद्धू वाला का दोबारा जन्म है, लेकिन ये दोबारा जन्म है या नहीं पर ये मौजे से कम भी नहीं है। उनकी वालदा 58 साल की है, 58 साल की उम्र में और उन्होंने ये हौसला रखा और ये आस रखी तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सारे लोग इमोशनल हो चुके हैं। नाजरीन, पूरे सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया में वो साफ पता चल रहा है कि छोटे सिद्धू मूसेवाला की पैदाइश हो चुकी है। सिद्धू मूसेवाले के हर मुरीद को एक बार फिर खुश होने का मौका मिला है। उनकी आंखों में आज फिर से खुशी दिख रही है। नाजरीन, ये सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने के बाद ये बात हो रही है कि ये मुमकिन कैसे हुआ। ये IVF टेक्नोलॉजी के जरिए हुआ है। जी हाँ, ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन था क्योंकि जब सिद्धू मूसेवाला के वालदैन ये बच्चा प्लान कर रहे थे तो उस बच्चे की सेफ्टी का बहुत खतरा था और इसलिए इस बात को प्राइवेट रखा गया। और इस बच्चे की पैदाइश किसी मौजा से काम नहीं है क्योंकि आज 58 साल की उम्र होने के बावजूद मेट्रोनोलॉजी के बायस ये पैदाइश हो सकी है और इसके पीछे बहुत सारी दुआएं हैं जिनका ये नतीजा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।